अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है ठीक होंगे। तो मैं आज बना रही हूँ रवा डोसा। ये बहुत ही सिंपल एंड इजी है। रवा डोसा को बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए और बच्चों को स्कूल के लिए टिफ़िन में पैक करने के लिए और टी टाइम के लिए बहुत ही टेस्टी होता है और बनाने में भी बहुत ईजी है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 ग्लासेस ऑफ रवा, तो ये नियरली हाफ के जी है। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कर्ड 1/2 लीटर एंड सॉल्ट। ये 3 इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें और थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बना देना है। बैटर बनाने के बाद 30 मिनट्स के लिए रख देना है। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे 2 ऑनियंस, इसको फाइनली चॉप कर लेना है। और ऑनियंस के साथ ग्रीन चिल्लीज, कोरिएंडर, कैरेट, ये भी वेजिटेबल्स चॉप करके रख लेना है। फिर आफ्टर 30 मिनट्स अगर हम रवा बैटर को ओपन करेंगे तो देख सकते हैं कि रवा जो है पानी और जो कर्ड डाला था उसको पूरी तरह से सोक करके रहेगा। उस पे फिर से पानी ऐड करना है, फिर से इसको बैटर बना लेना है। तो इस बैटर में जो वेजिटेबल्स चॉप कर लिए थे वो ऐड कर लेना है। और इसके साथ कुकिंग सोडा एंड 1 स्पून जीरा भी ऐड कर लेना है। और ये बैटर ज़्यादा थिन भी नहीं रहना है, अगर ये थिन हो गया तो डोसा नहीं बना सकते इसका, तो ये पैन पे चिपक जाएगा। तो इसका वाटर कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, मैंने ज़्यादा थिन भी नहीं किया। इतना सब करने के बाद अगर डोसा ठीक से नहीं बन रहा है, वो पैन पे ही पूरी तरह से चिपक रहा है, तो उसका मतलब होता है कि इस बैटर में पानी ज़्यादा हो गया है। उस टाइम पे हम लोग फिर से उसमें रवा या राइस फ्लोर ऐड कर सकते हैं।
अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रवा डोसा बना लिया है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे बताइए। और यहाँ पे रवा डोसा मैंने दाल फ्राई के साथ सर्व किया था, तो बहुत ही टेस्टी लगा। तो ये बहुत ही सिंपल है और इजी है, बच्चों को टिफ़िन में पैक करने के लिए बहुत ही इजी रेसिपी है। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।